कैम चो पजामा जामा। भाई लोग, आज आपकी मुराद बुरी होने वाली है। आज अपन जिस बंदों की कहानी सुनाएंगा ना, उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कई मेल मैसेज कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि अक्खे यूट्यूब पर इन बंदों की जानकारी ना है। मगर आज अपन फुलटू पटाक कहानी सुनाएंगा। सुखा का हलवा या टेगलाइन एक ब्रांड बन चुका है, पंजाबी नहीं अक्खे हिंदुस्तान में। सुखा के अलावा शायद ही कोई ऐसा क्रिमिनल होगा जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग हो। बोले तो छोकरा लाजवाब था, जिसकी पर्सनालिटी के तो लाखों लौंडे दीवाने थे। मगर भाई लोग, सुखा की गैंग में और भी पंडर लोग थे जो किसी फिल्मी सितारों से कम ना दिखते। बोले तो बॉम्ब थे बॉम्ब, वह किसी को टपकाने के लिए मानो रावणिज बन जाते हैं। सुखा की टोली में ऐसे तो कई छोकरे लोग थे जिसके जिगर में भी जिगर था। मगर आज अपन ऐसे दो सगे ब्रदर्स की बात करेगा जिसने सुखा को जेल से भगाने से लेकर कई बड़े बड़े कांड में साथ दिया। एक किच बाप के दो लौंडे सुखा के लिए किसी से भी भिड़ जाते। नाम है हैरी चीमा लाली चीमा। भाई लोग, अपन ने सुखा के ऊपर एकदम ही चरावस वीडियो बनाया, वहां भी देखना मांगता। और हाँ, आज तो भाई लोग सब्सक्राइब का गेमिज बजा डालो, और जो पास में चिरकुर्जा है ना घंटा, उसको भी बजा डालो, ताकि अपन जब भी यूट्यूब पे वीडियो ठोके तो सीधा गल्टी मार आपके पास आने को मांगता। जिगर के चल्लो पंजाब कपूरथला में सुल्तानपुर लोधी तहसील का एक गाँव, बोले तो बुसोवान, जो कपूरथला से 34 किलोमीटर और लोधी शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इसी गांव में रुपिंदर सिंह के यहाँ अमरवीर सिंह और हरजोत सिंह का जन्म हुआ। अमरवीर बड़ा था, बचपन से ही दोनों भाई लोग में प्यार भी गजब का, मानो एक राम तो दूजा लखन। मगर आगे चल के राम लखन वाली कोई भी बात इनमें ना रही, क्योंकि दोनों ही क्रिमिनल थे। जब तक दोनों भाई बड़े हुए ले, तब तक उस दौर में अक्के पंजाब में कई यंगस्टर आपराधिक गतिविधियों में घुस रहे ले। दोनों ब्रदर्स ने अपने गाँव से लपड़ा चालू कर दिया। अब दोनों की पर्सनालिटी भी इतनी घातक थी कि दूसरे लौंडे इससे जुड़ते गए, और क्राइम की दुनिया में आते ही दोनों को नया नाम मिला। अमरवीर सिंह बोले तो लाली चीमा, और हरजोत सिंह बोले तो हैरी चीमा। इस दौर में सुक्का का दबदबा बढ़ रहा, दोनों भाई लोग ने सुक्का से सेटिंग कर ली। अब सुक्का का कांड हो और हैरी लाली का नाम ना आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और एक बात लाली चीमा का तो पता नहीं, मगर हैरी चीमा ने साल 2011 में लुधियाना के DAV कॉलेज से ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया। जब सुक्का जलंधर जेल में बंद था, तब दोनों भाइयों ने अपने बंडर लोग के साथ मिलकर सुक्का को जेल से भगाया। सुक्का की मौत के बाद दोनों भाई अपने अपने तरीके से क्राइम को अंजाम देते रहे। साल था 2018 का, लाली और हैरी ने बिजनेसमैन दलवीर सिंह को उठा लिया और एक होटल के कमरे में 3 लाख रुपये और गोल्ड लूट लिए, और हर महीने प्रोटेक्शन मनी देने की हूल भी दी। वही साल 2013 में लुधियाना के स्लेम टाबरी इलाके में सरेआम गोलियां चलाकर लाखों रुपयों की लूट चलाई। कुल मिलाकर दोनों ब्रदर्स के मध्य 35 से ज्यादा केस थे। मर्डर, लूट, रंगदारी, गैंगोर जैसे कई केसों में दोनों भाई वॉन्टेड थे। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान में कई थानों में लाली चीमा और हैरी चीमा के मध्य कई FIR आज भी मौजूद है। मगर अब दोनों भाई लोग की सहमत आनी थी। 2019 का मार्च महीना था, लुधियाना मालेर कोटला पर लाली चीमा और उसके पंटर लोग कुलदीपुर कक्का की पुलिस लोग से मुठभेड़ हुए ली। उस दिन लाली के पैर में गोली लगी, मामू घायल हो गए ला। फिर भी लौंडे ने अपने फोन को मुंह में डाल चबा दिया, ताकि उसके भाई लोग का पता पुलिस लोग को ना मिले। अब बात करें हैरी चीमा की, तो 16 दिसंबर 2018 को एक महिला द्वारा बलात्कार के आरोप के बाद कपूरथला के लेमेंट्री होटल की आखिरी मंजिल से हैरी चीमा कूद गया, जिसके बाद हैरी चीमा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस तरह लाली चीमा जेल गया और हैरी चीमा ने मौत से दोस्ती कर ली। भाई लोग, सुक्का, हैरी, लाली, वरगडाना, दलजीत भाना, इन लोगों की यारी बाय गॉड कसम किसी भी गैंग्स में ना देखने को मिलेगी। सगे भाइयों से भी ज्यादा प्यार करते थे यहाँ की लोग। भाई लोग, लाली चीमा और हैरी चीमा कोई छोटा मोटा गुंडा ना थे। लोरेंस से लेकर जगू भगवानपुरिया तक इनके तार जुड़े थे। मगर वीडियो के लास्ट में अपन एक ही बात बोलेगा, अगर तुम लोग गैंगस्टर या डॉन बनने का ख्वाब देख रहे ले, तो एक बात अपनी खोपड़िया में घुसा दो, मरोंगे बेमौत पुलिस की गोली से या दुश्मन की। इसलिए क्रिमिनल मत बनो, क्योंकि क्रिमिनल लोग की बाहर से दिखने वाली मस्त और जक्कास जिंदगी अंदर से बहुत ही भयानक और डरावनी होती है। चलो भाई लोग, इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।